आप देख रहे हैं दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड का यूट्यूब चैनल। छात्रों नमस्कार, आज R079 जो SSC CGL 7 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखना है। आइए बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छात्रों पहला प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। आप ध्यान देंगे प्रायः जनरली क्या होता है, लास्ट वाले और फर्स्ट वाले से मायने रखता है प्रश्न। इस बार प्रश्न ने क्या किया है, ध्यान से देखेंगे तो K और W के बीच का रिलेशन, उसमें से भी K W से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात आपको K के बारे में बताना है। अच्छा, किसी भी रिश्ते को परफेक्ट बताने के लिए उसके लिंग का निर्धारण बहुत आवश्यक होता है। वह पुरुष है या महिला, तभी आप उसके किसी भी रिश्ते को बता पाएंगे। तो सबसे पहले यह निर्णय लेना होगा कि K पुरुष है या महिला। आप देखेंगे K की पोजीशन ये है, सबसे पहले यह निर्धारित कीजिए। यहाँ जो कंजंक्शन है परसेंटेज, इसका मीनिंग निकालिए। परसेंटेज का मीनिंग ए बी की माँ है। ध्यान देंगे दो पद प्रतिशत से जुड़ें तो पहला वाला दूसरे वाले की माँ है। अच्छा, कभी कभी प्रश्न में ना ये देखेंगे जहाँ ए प्रतिशत बी में ए बी की माँ है, तो कभी प्रश्न में बी ए की माँ होगी। तो इस पर जरा नियंत्रण रखेंगे आप। यहाँ पर ए को बी की माँ घोषित किया गया है, यानी अगर कोई दो पद परसेंटेज से जुड़ेगा इस प्रश्न में तो पहला टर्म दूसरे वाले की माँ होगी। सिर्फ यहाँ यही मतलब है, और यहाँ के का माँ होना यानी महिला हो जाना होता है। अब आपका काम आसान हो गया। अब यहाँ से आप चाहें तो मौखिक प्रश्न को बना सकते हैं, आप चाहें तो कलम का प्रयोग करें। अगर मौखिक बनाने की कोशिश करेंगे तो K to W जाना है आपको। अभी आप देखिए रिश्ता के बारे पूछा है, W से K का, तो जाना चाहिए था W से K की ओर, लेकिन आपके प्रश्न ने डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट दिया है। कैसे, A परसेंटेज B में B का ऐसे देखिए A एंड B, A B का पिता है, यानी B टू A रिश्ता क्लियर है। आप ऐसे ही जाएंगे, चलना स्टार्ट कीजिए। परसेंटेज का मतलब अभी आप देखे थे माँ, यानी K की ये माँ है नहीं। अब आए आप एट द रेट का मतलब पुत्र, माँ का पुत्र यानी वाई भाई हो जाता है। के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं के की माँ का पुत्र यानी भाई, और एंड का मतलब फिर आपको दिया पिता, भाई का पिता, खुद का पिता। अगेन एट द रेट का मतलब पुत्र, पिता का पुत्र का मतलब भाई के रेस्पेक्ट में, और अगेन हैस का मतलब भाई, तो भाई का भाई तो भाई ही होगा। अब सोचिए W के का भाई है, तो इसके भाई या बहन होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये महिला पहले ही सूचक हो चुका था, इसका मतलब के महिला है तो भाई के रेस्पेक्ट में वो बहन हो जाएगी, है ना। हाँ, अगर के लिंग का निर्धारण नहीं होता तो भाई या बहन के आइदर के केस में यह प्रश्न फंस सकता था। इसलिए आप देखेंगे के को सबसे पहले हम लोगों ने यह चिन्हित कर लिया कि वो महिला है या पुरुष, है ना। इसको बड़ा रैपिडली बनाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग आइए अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सीधा सीधा अटेम्प्ट लें तो 3 बार पी का इस्तेमाल है। पी की वैल्यू 16, तो 16 या 48, ये 5 5 10, तो 48 10 हो गए 58। 58 में R की वैल्यू 18 जोड़ेंगे तो 76 होता है, है ना। आसान, सभी वर्णों के डिजिटल वैल्यू को उसने जोड़ दिया और जवाब दे दिया। अब आप सीधा कॉलीफ्लावर के प्रत्येक करेक्टर की वैल्यू 3, A की 1, ये 21, ये 12, ये 9, ये 6, ये 12, ये 15, ये 23, ये 5 और 18 आप जोड़कर देखेंगे, आपका जवाब 125 आया होगा। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप देख पा रहे होंगे, समझिए उत्तर के क्रम में आप समझ जाएंगे। सबसे पहले इस हाइलाइटेड एरो को अगर देखें तो इसका मुख ऊपर की ओर है और इसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मूवमेंट प्राप्त किया है, है ना। 90 डिग्री, अगेन 90, ये 90 जाएगा तो इसका चेहरा इधर होगा, जो इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। और आसान तरीके से एक और छांट सकते थे कि भाई हर एक में देखा जा रहा है कोई ना कोई हिस्सा ब्लैक हाइलाइटेड है ही, यानी इस आकृति में भी कोई ना कोई ब्लैक हाइलाइटेड हिस्सा होगा और यहाँ ब्लैक हाइलाइटेड हिस्सा आपको मिल नहीं रहा है, यानी ये दोनों ऑप्शन होने की गुंजाइश ही नहीं है। अब दोनों में आप देखेंगे तो ये दोनों समान है, पोजीशन समान है,
आप गौर से अगर देखने की कोशिश करेंगे, बड़ा उलझन ना पड़े आपको, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और यहाँ गौर से देखिए ये स्क्वायर फॉर्मेट में है। प्रश्न के प्रारूप को समझने की जरूरत नहीं थी, छांटने के क्रम में आपका आंसर अपने आप दिया जाता है। यहाँ आप कहेंगे गलती क्या हुई थी, जो पहले हम बता रहे थे, यहाँ दो ब्लैक हाईलाइटेड हिस्सा नहीं होना चाहिए, होना एक ही चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से आपका प्रश्न आ गया ब्लड रिलेशन का, ध्यान दीजिए। इसने कहा क्या, क्यू पी का भाई है। ये काम जो बोर्ड पर मेरे द्वारा हो रहा है ये आपको काम नहीं करना है। क्यू पी का भाई है, आप समझ गए, भाई क्यू तभी हो सकता है जब यह पुरुष हो, पहली बात। और यहाँ पर क्यू आप गौर से देखिए लास्ट टर्म में है, किसी भी समीकरण के लास्ट वाले के लिंग का परीक्षण नहीं हो पाता है, निर्धारित नहीं कर पाएंगे आप। हाँ कर पाएंगे पति पत्नी के केस में कर पाएंगे, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है तो इसकी जांच आप ना करें। अब आप क्यू प्लस से जुड़ा है और प्लस का मीनिंग आपका मदर है ना, प्लस का मदर, क्यू यहाँ महिला है और महिला भाई हो नहीं सकती, जांच इसकी भी नहीं करनी। अब आप सोचिए जांच कितनी करनी है, केवल एक, दो बार नहीं करनी, इसको जांच करते हैं। अगर ये सटीक हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो आंसर ये होगा। आ जाइए इसकी जांच करते हैं, पी गुना क्यू माइनस आर। भाई आपको पी और क्यू के बीच रिश्ता देखना है तो जनरली क्या करेंगे, पी गुना क्यू में पी क्यू का भाई है। छात्रों यहाँ पी का भाई होना, पी का पुरुष होना इंडिकेट तो हो रहा है लेकिन क्यू के बारे में बताना है भाई, इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। यह अगर पुरुष निकला क्यू तो निश्चित पी का भाई होगा। तो माइनस का मतलब आप देखेंगे, माइनस का मतलब होता है इज द फादर ऑफ बी, ये फादर है, इसका मतलब पुरुष है, इस पुरुष का यह भाई, तो ऑटोमेटिकली वह भी भाई होगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यह प्रश्न प्लस और डिवीजन को आप इंटरचेंज करके समीकरण को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन की उतनी जरूरत आपको होती नहीं है। अगला प्रश्न जो है ये, अब इस ट्रिपल पेयर एनालॉजी में आपको कुछ परेशानियां उठानी हुई होंगी, कई तरीके से बनाया गया है इसको। एक आप देखेंगे, एक तरीका जो हम मौखिक आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, चार में एक बढ़ा दिए पाँच, पाँच से गुना कर दिए पाँच चौके बीस, में एक बढ़ा दिए इक्कीस को चार, उसी चार से गुना किए चौरासी। एक तो ये है आपके पास, दूसरा आपके पास क्या है कि चार का क्यूब कर दिया कितने हो गए चौंसठ, ठीक है, और चार में एक बढ़ा दीजिए पाँच, चार पंचे बीस, क्या किए क्या किए देखिएगा, चार में एक बढ़ाए तो मिले कितने आपको इससे पाँच, उसी चार को गुना किए हो गए बीस। अब इस बीस और चौंसठ को जोड़ दिया, अब 11 के साथ वही करना है कि अपने 11 का क्यूब निकाल लीजिए, तो 11 का क्यूब 1331, में जोड़ना कितना है, चार में पाँच से गुना करके जोड़े थे, इसमें 11 को 12 से गुना करके, तो 11 गुना 12 बराबर 132 जोड़े हैं इसको, 2 1 3 3 3 6 13 14 1463, आपका आंसर आ गया है। वेरीफिकेशन के लिए आप इसके साथ भी कर सकते हैं, 13 का क्यूब कर दें 2197, 13 का क्यूब 2197 और उसमें 13 × 14 182 को आप जोड़ेंगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। इस तरह आपका आंसर 1463 ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसमें थोड़ी परेशानी आई होगी ऐसा लगता है। आइए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है ना कि प्रश्न आसानी होता है लेकिन थोड़ी सी स्थिरता तो चाहिए। एक सुधार करेंगे, आपके क्वेश्चन में सुधार था, यहाँ एक्चुअली 6 होगा, ए में स्प्रिंट है 6 है। अगर चालाकी से देखा जाए, अगर हम लोग देखना चाहें ऑप्शन की मदद लें तो 6 4 2 सब में है, यानी 6 एक नंबर पर जाएगा, 4 दो नंबर पर जाएगा, सॉरी ये 4 दो नंबर पर चला जाएगा और 6 के बाद 2 वाला 3 पर चला जाएगा। इसको सजाने की ज़रूरत कहाँ थी, 6 4 2 ऑप्शन ने ही सपोर्ट कर दिया था हम लोगों को, यानी 6 4 2 सजा हुआ है। अब बारी किसकी आती है, इसकी 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 और इसकी, और तीनों ई एफ एफ और ई एफ एफ से ही स्टार्ट है, ये एल ये ई और ये ई और ये सी, ये तो चला गया। अब बताइए ई एफ एफ एल ई एफ एफ ई एफ एफ एल ई एफ एफ यू, तो सबसे पहले बारी किसकी आनी चाहिए, ई एफ एफ
ई की बारी आनी चाहिए, ये चौथे नंबर पर जाएगा। यानी अब आपका आंसर होता है 6425, 6425 ये गया, अभी तक तीनों वर्तमान में मौजूद है। बारी किसकी? इसकी, 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 ई एफ एल, एफ एफ एल, ध्यान दीजिएगा ई एफ एफ एल है, ये ई एफ एफ यू है, ये एफ एफ एल है, इन दोनों के बाद ही ये आएगा। इन दोनों में पहले कौन? ई एफ एफ एल ई और ई एफ एल एल यू, स्वाभाविक है पहले ही आएगा, यानी तीन नंबर आएगा 6425 के बाद, 6425 के बाद तीन नंबर आपका आंसर यही होना चाहिए, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर है। तो ये प्रश्न कठिन तो नहीं होता, लेकिन टाइम टेकन होता है, समय आपको भी एग्जामिनेशन में खर्च करना चाहिए इसमें। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का लेटर सीरीज है, सबकी वैल्यू आपको पता है पहले से, ये तो बड़ा आसान लग रहा है, ये 24, ये 22, तो 20, 18 पर ये संतुष्ट है। फिर यहाँ आएंगे तो डी ई एफ छोड़ के जी, एच आई छोड़ के जे, के एल छोड़ के एम बिल्कुल सेटिस्फाइड है। यहाँ आइए एन ओ पी, टी जे पी अभी तक आ रहा है, टी जे पी एक ही ऑप्शन में है, आगे जांच करना तो बेवकूफ़ी है, इतने से काम निकाल लेंगे। चाहें तो सी डी छोड़ के ई एफ छोड़ के जी, टी जे जे पी, टी जे पी जी, आ ही रहा है आपका आंसर। लेकिन चूंकि ऑप्शन में पहले से टी जे पी आ चुका था, तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत। ये बहुत आसान प्रश्न सभी लोगों ने बनाया होगा, प्लस 10, प्लस 10, प्लस 5, प्लस 5, ये ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, प्लस, सबसे पहले प्लस 10, प्लस 10 है, प्लस 10 नहीं है, प्लस 10 है, इसी की जांच करनी होगी हम लोग को। प्लस 5 चाहिए, ये गया प्लस 5, यहाँ प्लस 5 नहीं है, आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी आया होगा। अगला प्रश्न देखें तो ये भी आसान होगा आपका, इंटू 3, ये भी इंटू 3, ये लिखने की ज़रूरत है क्या? ये तो मौखिक बनना चाहिए था, ये भी इंटू 3 है, आप सीधा जवाब देना भाई इंटू 3 करके, 3 × 7 = 21, के 1 = 2, 3 × 18 = 2 = 20, के 0 = 2, 3 × 5 = 15 = 17, 1701 आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए में है। भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, तो अगला प्रश्न फिर से लेटर सीरीज का है। छात्रों ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो स्क्रॉलिंग वैल्यू याद आती होगी, स्क्रॉलिंग वैल्यू का प्रयोग आजकल का तो लेटर सीरीज में खूब कर रहा है। ये 14 वैल्यू है, ये 7, आप समझ गए होंगे -7 है, आप 19 में 7 घटा देना भाई, 12, एल से स्टार्ट होगा आपका ऑप्शन, एल से 2 स्टार्ट है, आप चेक कर लेना। आप कहेंगे इसमें -7 कहाँ किया, भाई इसकी 26 वैल्यू होती है, जी की स्क्रॉलिंग वैल्यू 7 + 26 = 33 होती है, 33 में 7 घटाइए, आया कि नहीं, बात तो वही है, तो डायरेक्ट कर दिए। अब बचा 20, 15, 5 घटाया, 15, 10, 5 घटाया, 10 में 5 घटाया ई, और ई की वैल्यू 5, 5 मतलब 31 भी होता है ना, 31 में 5 घटाएंगे तो 26, 26 मतलब जेड, देखिए आपका जवाब एल, जेड से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। छात्रों अगले प्रश्न की बारी, ये 5 और 8 को इंटरचेंज करके आप समीकरण को संतुष्ट करेंगे, आ जाइए, ये साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ऑप्शन नंबर बी में छिपा है, यहाँ पर छोटे वाले हिस्से में देखिए, है ना छिपा हुआ पूरा का पूरा। अगला प्रश्न है 2, 2 के विपरीत, इन दोनों में देखें एक ही कॉमन है, वो कॉमन कौन? 2, और कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन है और कॉमन के उल्टा पूछा, तो कॉमन के उल्टा कौन जो दिख नहीं रहा हो, और उन दोनों में, इन दोनों में जिसमें 2 कॉमन है एक नहीं दिख रहा है, जवाब दे दें आप। अगला प्रश्न मिरर इमेज का है छात्रों, देखिए इसका मुंह इधर, इसका इधर, और इसमें देखिए दोनों का मुंह एक और है, ये संभव नहीं है, ये नहीं संभव है, ठीक है, ये मिडल में है, ये ऊपर कैसे चला गया, हटाइए इसको भी। अब इन दोनों में छात्रों, इन दोनों की तो फिगर सेम है, इसकी भी फिगर सेम है, इसी में ना ये ब्लैक वाला राइट में आएगा या लेफ्ट में जाएगा ये पता करना है, ये ब्लैक वाला लेफ्ट में है तय मानिए राइट में जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बारे, ये थोड़ा जो कॉमन मेथड का इस्तेमाल करते थे उसमें आप फंस सकते हैं ऐसा, लेकिन आप फंसे नहीं होंगे, आप देखे होंगे हेल्थ में 6 लेटर तो 6 बोल दिया, 2 लेटर 2 बोल दिया, 6 तो 6 आसान था ना, बैलेंस में 3 × 3 = 6 = 2 = 8 है, डाइट में 4 है, इज में 2 है, की में 3, 8 + 4 = 2 = 3, 8 + 4 = 2 = 3, ऑप्शन नंबर ए।
शब्द के बीच में, शब्द के भीतर जितने लेटर्स थे उनको गिन कर चुपचाप रख दिया। अगली बात, छात्रों अगर आप देखेंगे तो मिडिल टर्म राइट में है, ऐसे भी आई का मामला है भाई, जी और एस के बीच किसी प्रकार का रिश्ता ना होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ऐसे भी दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव की गुंजाइश ही नहीं है। आपको क्या जवाब देना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, किसी प्रकार के मेथड का प्रयोग नहीं करना था, कोई लॉजिकल वेन डायग्राम का इस्तेमाल नहीं करना था। अगली बात ध्यान दीजिए, चार में से एक को वर्गीकृत करना है, ऑड मैन चुनना है। 18 का स्क्वायर 324 में 5 जोड़ा है, है ना, 18 का स्क्वायर में 5 जोड़ा, ये 12 का स्क्वायर 144 में 5 जोड़ा, बिल्कुल दोनों एक जैसा है, और ये 14 का स्क्वायर 196 में 5 जोड़ा तो 201, ये भी वैसा ही है, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, 256 प्लस 5 261 होना चाहिए था। ये रहा जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न फिर से छात्रों कितना आसान, ये मामला ए का, ये मामला आई का, ये मामला आई का, मिडिल टर्म आपको ऊपर से नीचे ए प्लस आई ही सपोर्ट कर रहा है, आसान सा है। बैंगल्स एंड मेडिसिन, बैंगल मेडिसिन ए प्लस आई नॉट वैलिड, टूथपेस्ट कैप्सूल, टूथपेस्ट कैप्सूल आई प्लस आई नॉट वैलिड, मेडिसिन बैंगल, मेडिसिन बैंगल ए प्लस आई पास नहीं करेगा, नॉट वैलिड। सम मेडिसिन आर टूथपेस्ट, मेडिसिन एंड टूथपेस्ट, मेडिसिन एंड टूथपेस्ट, ये भी नहीं होगा आपका। और मेडिसिन बैंगल यहाँ था, ए प्लस आई ये पास नहीं करेगा, कोई नहीं, नन ऑफ द कंक्लूजन। नेक्स्ट बारी आई फिर से चेक करने की, आप देखेंगे पी क्यू ई एफ जे के यू वी सब ने किया होगा ये। उसके बाद गौर से आप देखेंगे भावेल है, भावेल है इसमें, इसमें भी भावेल है, इसमें भावेल नहीं था छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न की बारी आती है फिर से सीरीज कॉम्पिटिशन की, इसको एक काम करेंगे, इस वाले को देखिए, आधा काला वन फोर्थ, आधा वन फोर्थ, आधा वन फोर्थ वाला होगा, और चारों में वन फोर्थ है, तो वन फोर्थ पर नज़र टिकाइए। इस वन फोर्थ का चेहरा मान लीजिए इधर है, फिर हो गया उधर, है ना, इधर उधर का मतलब इस कोने में, यानी इस बार इस कोने में चेहरा होगा इसका, इसका वन फोर्थ का, देखिए हिस्सा मुँह किधर है, बाकी का नहीं। इसको भी आप प्रश्नानुसार गुना की जगह पर माइनस फिर बदलकर सभी को दिए गए दिशा निर्देशानुसार चेंज करके इसका जवाब देते हैं। अगला प्रश्न, ये दोनों एक जैसा दिखता है ना, तो गेंद कैसा दिखता है? गेंद गोल दिखता है, राउंड शेप में होता है, डायमंड का शेप, काइट जैसा, तो गेंद का शेप। मनी प्लांट ये पर्वतारोही नहीं है, ये लता होगा, क्लिम्बर लता, लता ग्रुप में आता है मनी प्लांट, तो गुलाब भी तो झाड़ी ग्रुप में आता है, जो श्रब ग्रुप होता है। अगला प्रश्न, ये भी आसानी से बनाए होंगे, फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 3 कितने हुए, 5 का क्यूब, 27 को 3 से डिवाइड करें 9 का क्यूब 729, 36 को डिवाइड करें 3 से 12 का क्यूब, है ना, आपका आंसर आया 729, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार आप R079 का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे छात्र, बहुत जल्द यानी कल नेक्स्ट डे R080 की एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।